हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आज के वीडियो में हम काफ़ी फुद्दू सा जो है अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं, बट मैं फिर भी जो है आपको दिखाना चाहूँगा। उसका कारण यही है कि अभी जो है थोड़े से टाइम के अंदर ही जो है ना बड़े प्रोडक्ट्स को कैसे गिफ्ट पैक करना है, किस तरीके के गिफ्ट पेपर से उसको ईजिली रोल किया जा सकता है, उसको सॉरी पैक किया जा सकता है, उसके रेफरेंस के थ्रू जो है रेफरेंस के लिए आपको ये दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों इसके पहले भी मैंने जो है आपको पेपर वाले जो है गिफ्ट पैकिंग के कागज़ जो है उसको दिखाया था दोस्तों। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है ना, बहुत सारे गिफ्ट होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, तो उसको जो है आप नॉर्मल से गिफ्ट पैकिंग पेपर से जो है गिफ्ट रैप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका पन्ना जो इसको बोलते हैं ना, उसकी लेंथ एंड विड्थ जो है वो छोटी आती है, तो काफ़ी मज़ा नहीं आता है उसको गिफ्ट पैक करने में दोस्तों। तो इसी रीज़न से जो है यहाँ पे हम जो है इस तरीके के बड़े गिफ्ट रोल जो है अपने शॉप पे रखते हैं, और बहुत सारे लोग जो है ना पर्सनली भी इसको दिवाली के टाइम पे स्पेशली जो है ख़रीद के जाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है ना कि बहुत सारे उनको गिफ्ट पैक करने होते हैं, और कोई कोई जो होता है ना जो कि काफ़ी पैसे वाला होता है, तो वो लोग क्या होते हैं कि वो बड़ी बड़ी गिफ्ट देते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं कि टोस्टर तो वैसे छोटा है बट फूड प्रोसेसर है, या तो उस टाइप का बड़ी चीज़ जो है वो गिफ्ट में देते हैं शादी पे या तो ऐसे टाइम पे, तो वो भी जो है अपने प्यून को जो है इस तरीके का गिफ्ट रोल खरीदने के लिए मार्केट में बेचते हैं दोस्तों। तो ये रोल है 10 मीटर का रोल है और इसकी कीमत जो है दोस्तों 200 रुपये है। तो ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा, तो इसकी बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी यार बड़ा है, 1 मीटर अप्रोक्सीमेटली मुझे यहाँ पे लेंथ इसका लग रहा है, और यहाँ पे पन्ना जो है ना इसका काफ़ी बड़ा है। इसके पहले भी मैंने जो है ना गिफ्ट पैकिंग का एक जो है बनाया था वीडियो, 200 गिफ्ट हमने गिफ्ट रैप की थी जो रेगुलर गिफ्ट कागज आता है ना उसके थ्रू, तो उसमें भी यही दिक्कत थी कि उसमें हमने उसके 2 पीसीस किए थे कागज़ के, और फिर जो है उसको 2 क्या बोलते हैं कि जॉइंट्स लगा के उसको गिफ्ट रैप किया था। बट अगर हम इस तरीके का कागज़ यूज़ करते हैं तो काफ़ी फटाफट जो है गिफ्ट रैपिंग भी हो जाता है दोस्तों, और कितना भी बड़ा गिफ्ट हो आप इजीली जो है गिफ्ट रैप कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे आते हैं जो कि सॉफ्ट टॉय गिफ्ट पैक करवाने आते हैं, तो सॉफ्ट टॉय को गिफ्ट पैक करने के लिए भी ये काफ़ी यार यूज़फुल है, तो उसको आप उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप पर्सनली भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ब्लू कलर है उसमें इस तरीके का शेड वाला है, फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये बेसिकली प्लास्टिक बेस्ड जो है गिफ्ट पेपर है। तो ब्लू के अंदर आपको 3 कलर यहाँ पे मिल जाते हैं, फिर पिंक जो है उसके अंदर आपको 3 कलर्स मिल जाते हैं इस तरीके के, अंदर जो होलोग्रामिक डिज़ाइन है तीनों के अंदर अलग है, ब्लू में भी तीनों की तीनों जो है अलग है, यहाँ पे हार्ट शेप है, यहाँ पे डॉट डॉट है, यहाँ पे जो है लाइन से अलग अलग, और यहाँ पे राउंड राउंड है इस तरीके के कलर के अंदर। तो इसको आप ट्राई आउट ज़रूर से करिएगा दोस्तों, बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ। बट अभी जब हम इसको गिफ्ट रैप करेंगे ना इससे, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा, अभी आपको बहुत कुछ इसमें इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा, तो वो वीडियो भी जो है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा इसमें गिफ्ट रोल जो है गिफ्ट पेपर जो है निकलता है गिफ्ट रोल के अंदर, तो वो आप देखिएगा। सो थैंक यू, गुड बाय, एंजॉय योर लाइफ, हैप्पी गिफ्ट पैकिंग।